दोस्तों, क्या आपने कभी चींटियों का ऐसा घोंसला देखा है जो पानी में बना होता है? और क्या आपने कभी चींटियों का ऐसा घोंसला देखा है जो बिल्कुल किसी कुएं की तरह दिखाई देता है? और क्या आपने कभी चींटियों के इस घोंसले को देखा है जो दुनिया में सबसे बड़ा और मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है? क्यों, सुनकर चौंक गए ना? इस वीडियो में मैं आपको चींटियों के कुछ ऐसे घोंसले दिखाने वाला हूँ जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इन घोंसलों पर हमने पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो बनाया हुआ है जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। और अगर आपने अभी तक इन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 12, ऑस्ट्रेलियन मीट एंट। दोस्तों, इस चींटी को ग्रेवल एंट के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं कि ये चींटियां विश्वास ना होने वाले ऊंचे ऊंचे टीले बनाती हैं और अपने टीले बनाने के लिए ये एक बड़े से खुले क्षेत्र का चुनाव करती हैं। ये चींटी अपने टीले कंकड़ और सूखी चीज़ों से बनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके टीलों में बहुत से दरवाजे होते हैं जिसे आप छोटे छोटे छेद के रूप में भी देख सकते हैं, और इस टीले पर मौजूद प्रत्येक छेद इन चींटियों को अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं क्योंकि ये अंदर से जुड़े नहीं होते। हालांकि ये चींटियां ऐसे टीलों का भी निर्माण करती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, और ऐसे टीले इन चींटियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 11, कारपेंटर एंट्स। दोस्तों, ये चींटियां बहुत ही खास है क्योंकि ये अपना घोंसला लकड़ियों में बनाती है, और अपना घोंसला बनाने के लिए ये ऐसी लकड़ियों का चुनाव करती है जो अंदर से बहुत ही सड़ी या फिर खोखली हो ताकि अपना घोंसला बनाने के लिए इन्हें कोई परेशानी ना हो। आपको बता दूं कि ये चींटियां लकड़ियों को खाती नहीं बल्कि उसका चूरा चूरा कर बाहर ले जाती है और अपने घोंसले में अंदर बाहर जाने के लिए रास्ते बनाती है। अगर ये चींटियां जंगलों में होती है तो ये वहाँ के जंगली पेड़ पौधों को अपना निशाना बनाती है, और अगर ये आपके घर के आसपास होती है तो ये आपके लकड़ी के दरवाजे, खिड़की या फिर और कहीं लावारिस पड़े लकड़ियों को अपना निशाना बनाती है। लकड़ियों को काटकर अपना घोंसला बनाने की कला के कारण इन चींटियों को कारपेंटर चींटी का नाम दिया गया है। नंबर 10, येलो मेडो एंट। दोस्तों, ये चींटियां सेंट्रल यूरोप में पाई जाती है। आपको बता दूं कि ये चींटी अपना घोंसला जमीन के अंदर बनाती है जो लगभग 3 से 4 फुट गहरा होता है, लेकिन ये जहाँ भी अपना घोंसला बनाती है उसके ऊपर एक डैम शेप का स्ट्रक्चर भी बनाती है क्योंकि यही स्ट्रक्चर इनके घोंसले के तापमान को नियंत्रित करता है। साथ ही ये स्ट्रक्चर इन्हें इनके दुश्मनों से भी बचाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चींटी को पहाड़ी चींटी के नाम से भी जाना जाता है, वो इसलिए कि इनके घोंसले ऊपर से देखने में बिल्कुल किसी छोटे पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं, और इन एक एक घोंसलों पर लगभग 10,000 से 1,00,000 तक चींटियां रहती है। वैसे आपको इन चींटियों का पहाड़ जैसा घोंसला कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, वीवर एंट। दोस्तों, इन चींटियों को बुनकर चींटी भी कहा जाता है, और ये चींटियां ज्यादातर पेड़ों पर रहती है। ये चींटी अपना घोंसला पेड़ के पत्तों से बनाती है जो देखने में काफी कमाल का लगता है। ये चींटी अपना घोंसला बनाने के लिए पेड़ के पत्तों को आपस में जोड़ती है, जिसके लिए ये अपने मुंह से निकलने वाले लार का इस्तेमाल करती है जो सूखने के बाद एक सफ़ेद रेशम बन जाता है। वैसे तो इन चींटियों के घोंसले बहुत से पेड़ों में फैले होते हैं क्योंकि इन चींटियों की कॉलोनी बहुत बड़ी होती है। अब कॉलोनी बड़ी है तो घोंसले भी बड़े ही होंगे। कई बार तो इनके घोंसले 1 फुट तक भी लंबे हो जाते हैं जिसमें हजारों की तादाद में ये चींटियाँ रहती हैं। लेकिन इन चींटियों के घोंसले ज़्यादा मजबूत नहीं होते क्योंकि जंगलों में आने वाले हवा तूफान से इन घोंसलों को नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण ये लंबे समय तक नहीं टिक पाते, जिसके बाद ये चींटियां फिर से अपना घोंसला बनाने में लग जाती हैं। नंबर 8, आर्मी एंट। दोस्तों, ये चींटियां आक्रामक और प्रवासी होती है, और ये चींटियां पुल बनाने के लिए जानी जाती है। इनकी एक कॉलोनी में लाखों चींटियां होती हैं, लेकिन ये चींटियां दूसरी चींटियों की तरह अपना घोंसला नहीं बनाती, वो इसलिए क्योंकि ये चींटियां दूसरे कीड़ों से खाना चुराती हैं, जिसके लिए
उन्हें उन कीड़ों के घोंसले पर हमला करना होता है, लेकिन उन कीड़ों के घोंसले भी इनकी पहुंच से थोड़े ऊंचे और दूर होते हैं, जिसके लिए ये चींटियां एक बड़े पैमाने पर पुल बनाती है। और इस पुल को बनाने के लिए ये खुद का ही इस्तेमाल करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे इन चींटियों ने एक दूसरे को पकड़कर ये पुल बनाया है। इस पुल के लिए ये बात भी ज़रूरी होती है कि उस जगह की ऊंचाई और दूरी कितनी है, क्योंकि इस पुल को बनाने के लिए बहुत सी चींटियों की ज़रूरत होती है। अगर किसी कॉलोनी में कम चींटियां होती है तो वो ज़्यादा लंबा पुल नहीं बना सकती, जिसके बाद वो किसी और का खाना नहीं चुरा पाती। नंबर 7, ब्लैक एंट्स। दोस्तों, इन काली चींटियों के घोंसले सिर्फ अच्छे ही नहीं बल्कि कमाल के होते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से अपना घोंसला बनाते हैं वो देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। सबसे पहले ये काली चींटियां मिट्टी के टुकड़ों को लेती है और इन टुकड़ों की छोटी छोटी गोलियां बनाती है, जिसके बाद ये सारी चींटियां इन मिट्टी के गोलियों को अपने घोंसलों के आसपास रख देती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ये चींटियां इन गोलियों को पिलर का आकार नहीं दे देती। जब इनका ये पिलर तैयार हो जाता है, उसके बाद ये चींटियां फिर से मिट्टी के टुकड़ों का इस्तेमाल कर इन पिलर्स की छतें तैयार करती है, जिसके बाद इनका ये घोंसला पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नंबर 6, अर्जेंटीन सुपर कॉलोनी। दोस्तों, चींटियों की सुपर कॉलोनी को सन 2010 के दौरान यूरोप में खोजा गया था, और तब ये कॉलोनी चींटियों की सबसे बड़ी कॉलोनीज में से एक थी। आपको बता दूं कि यूरोप की ये सुपर कॉलोनी अर्जेंटीना के हिस्सों में भी फैली हुई है, और इन चींटियों की इस सुपर कॉलोनी का क्षेत्र लगभग 3731 मील तक फैला हुआ है, जिसमें अर्जेंटीना का भूमध्य सागर और यूरोप का अटलांटिक तट भी शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप के अटलांटिक तट पर चींटियों के लाखों घोंसले मौजूद हैं, जिसमें अरबों की तादाद में ये चींटियां रहती हैं। वैसे आपको इन चींटियों के इस घोंसले के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 5, एंट्स टावर। दोस्तों, ये चींटियां कहीं भी चढ़ने में माहिर होती है, और आप लोगों ने भी इन्हें कहीं ऊंचे ऊंचे जगहों पर चढ़ते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप लोगों ने चींटियों को टावर बनाते हुए देखा है? जी हाँ दोस्तों, ये चींटियां खुद का टावर भी बनाती है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो ये चींटियां अक्सर पानी के बीचों बीच एक दूसरे पर चढ़कर अपना टावर बनाती है, वो भी इसलिए कि वो पानी की तेज लहरों से बच सके। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये चींटियां ऐसा कारनामा तब भी दिखाती है जब इनके सामने लंबे पोल जैसी कोई चीज़ हो जिस पर चढ़कर ये अपना टावर बनाती है। वैसे आपको चींटियों का ये टावर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 4, फायर एंट। दोस्तों, ये चींटियां अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। बात करें इनके घोंसलों की तो ये चींटी अपना घोंसला पानी में बनाती है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि ये चींटी अपना घोंसला बनाने के लिए अपने शरीर का ही इस्तेमाल करती है, जो काफ़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन ये ऐसा इसीलिए करती है ताकि ये मानसून में आने वाली बाढ़ से बच सके, क्योंकि इन चींटियों को पानी में अपना घोंसला बनाने के लिए सिर्फ कुछ मिनटों का ही समय लगता है, जिसके लिए ये हज़ारों चींटियाँ एक दूसरे से जुड़कर आपस में एक संपर्क बनाती है। साथ ही ये अपने पैरों का इस्तेमाल एक स्प्रिंग की तरह करती है, ताकि इनका घोंसला पानी में अच्छे से तैर सके। आपको बता दूं कि इन चींटियों की रानी घोंसले के बीचों बीच रहती है, और वहीं अपने अंडे देती है, और ये तब तक पानी में तैरते रहते हैं जब तक इनका घोंसला सूखी ज़मीन तक नहीं पहुँचता। नंबर 3, हार्वेस्टर एंट। दोस्तों, ये चींटियाँ भी कम माल का घोंसला बनाती हैं। वैसे तो इन चींटियों का घोंसला भी ज़मीन के नीचे होता है, लेकिन जिस तरह से ये चींटियाँ बाहर से अपने घोंसलों का स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो सच में बहुत ही शानदार होता है, जो एक हद तक एक कुएं जैसा लगता है। अगर बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो ये देखने में बिल्कुल गोलाकार होता है, और इस गोलाकार स्ट्रक्चर के बीचों बीच अंदर जाने का रास्ता होता है, और उनके चारों ओर टेढ़े मेढ़े रास्ते बने होते हैं, जो शायद इन चींटियों ने ही अपने दुश्मनों को भटकाने के लिए बनाए होते हैं, ताकि वो उनके घोंसलों के अंदर न आ सके। वैसे आपको इन चींटियों का कुएं जैसा ये स्ट्रक्चर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 2, लीफ कटर एंट।
दोस्तों अभी आप जिन चींटियों को देख रहे हैं, इन चींटियों का घोंसला दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सन 2010 के दौरान ब्राजील में एक वैज्ञानिकों की टीम ने जमीन के अंदर चींटियों के सबसे बड़े शहर की खोज की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चींटियों का ये शहर जमीन के अंदर लगभग 500 वर्ग फुट चौड़ा और 20 फीट गहरा था। और जब इस शहर को खोजा गया था तब वहाँ एक भी चींटी नहीं थी, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय में यहाँ लाखों की तादाद में चींटियाँ रहा करती थी। और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इससे पहले उन्होंने चींटियों की इतनी बड़ी कॉलोनी कभी नहीं देखी थी। आपको बता दूं कि चींटियों की इस कॉलोनी को मास्टरपीस कहा जाता है, क्योंकि इस कॉलोनी में बहुत सारे चैम्बर्स और लंबे लंबे रास्ते बने थे, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिकों का ये कहना था कि इतनी बड़ी कॉलोनी बनाने के लिए इन चींटियों को लगभग 40 टन की मिट्टी को बाहर निकालना पड़ा होगा। जब वैज्ञानिकों को पता चला कि इन कॉलोनी में एक भी चींटियां नहीं है, तब उन्होंने इस कॉलोनी के बारे में जानने के लिए 10 टन से भी ज्यादा सीमेंट पानी के द्वारा इस कॉलोनी में डाला। और जब सीमेंट सूखने के बाद इसकी खुदाई की गई तो सामने आया दुनिया का सबसे बड़ा चींटियों का शहर, जिसे आपने अभी अभी देखा है। नंबर 1, एंट हिल आर्ट। दोस्तों अभी आप जिस सिल्वर मेटल की इस इमारत को देख रहे हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि जमीन के अंदर बने चींटियों के घोंसले का एक नमूना है। जी हाँ दोस्तों, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। दरअसल कुछ वैज्ञानिकों को ये बात जानने की इच्छा थी कि आखिरकार ये चींटियाँ जमीन के अंदर कैसा घोंसला बनाती है, जिसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एल्यूमिनियम को पिघलाकर इस घोंसले के अंदर डाला। और जब एल्यूमिनियम के सूखने के बाद इसकी खुदाई की गई तो इसका परिणाम बहुत ही चौंकाने वाला था, जो आपके सामने है। चींटियों की ये इमारत सचमुच बहुत ही शानदार और कमाल की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चींटियों की इस इमारत का आकार लगभग 3 फीट था, जिसे देखने के बाद ये पता चलता है कि चींटियां भी बहुत बड़ी कलाकार होती है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों ये थे चींटियों के कुछ अनोखे घोंसले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।